अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 24 एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे एंड वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। बेटा चैप्टर नंबर 2 आपके पास बुक्स पे जो है केमिकल बॉन्डिंग का ये चैप्टर है, और केमिकल बॉन्डिंग जो है उससे आपको थोड़ा ये भी अंदाज़ा होगा कि केमिकल्स या मलेक्यूल्स आपस में जो बॉन्डिंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं। यानी कि एक मलेक्यूल जो है वो एटम दूसरे एटम से और फिर मलेक्यूल्स दूसरे मलेक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग किस तरह से जो है वो करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जो ये थोड़ा सा इसका जो है वो आपके पास ओवरव्यू है चैप्टर का कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आगे इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं जैसे कि आयनिक है, कोवलेंट है, ये सारे केमिकल बॉन्ड्स हैं। फिर केमिकल बॉन्डिंग के लिए जो डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज की गई थी जैसे कि वेस्पर है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और MOT है, मलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो ये सारी जो हमारे पास थ्योरीज दी गई वो इसमें हम पढ़ेंगे। इन द एंड वी विल डिस्कस अबाउट मेटालिक बॉन्ड्स या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जैसे वैन डर वाल फोर्सेस हैं, ठीक है, इनके बारे में जो है वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग्स में उन्होंने सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को जो है वो डिस्कस किया है। पहली बात, केमिकल बॉन्ड होता क्या है। जब भी दो एटम्स जो हैं आपके पास एक मलेक्यूल के अंदर जो दो एटम्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ एक अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से लिंक होते हैं, ठीक है, इस अट्रैक्शन की फोर्स को हम बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। सो अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स इन अ मलेक्यूल इज़ कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो आपके पास जैसे यहाँ पे आपके पास इज़ डिफाइंड एज, आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स दैट होल्ड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर एज अ स्टेबल मलेक्यूल, ठीक है। तो बेटा सिर्फ अट्रैक्ट करना ही ज़रूरी नहीं होता, अट्रैक्ट करके उसके बाद एक स्टेबल पोजीशन ले लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखें जो भी मलेक्यूल है, कोई भी मलेक्यूल बनता है बेटा, जब तक वो स्टेबल नहीं होगा या उस अपनी उस कंडीशन में उस अट्रैक्शन के बाद स्टेबल नहीं हो जाता वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो जो भी आपके पास कंपाउंड बनता है वो स्टेबल होता है तो बनता है, अगर स्टेबल नहीं है तो वो फौरन से किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये केमिकल बॉन्ड होता है। उसके बाद आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ केमिकल बॉन्ड में होती है या फिर एक एटम में क्या वो पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिकल बॉन्डिंग में, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर केमिकल बॉन्ड पर असर नहीं डालता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर द, यहाँ पे भी आपके पास जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्ले अ की रोल इन केमिकल बॉन्डिंग, तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आप आगे देखेंगे जब हम इनकी थ्योरीज़ पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है या फिर क्यों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है, बेटा लुइस और कॉसल ने जो है इस थ्योरी को जो है वो एक्सप्लेन किया, या उन्होंने इस बात को फिगर आउट किया कि वाई एटम्स जॉइन टू फॉर्म मलेक्यूल्स किस तरह से होते हैं, क्यों एटम्स आपस में जॉइन होते हैं। इसके पहले पैराग्राफ में मैं आपको इसका सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो थ्योरी में तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बेटा ये जो पहला पैराग्राफ है आपके पास, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि पहली बात, एटम्स को ज़रूरत क्यों पड़ती है मलेक्यूल्स में कन्वर्ट होने की, ठीक है, या क्यों एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होके मिलकर मलेक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या एटम जो है अकेला नहीं रह सकता। तो बेटा इसका जवाब ये है कि जब तक आपके पास जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूरी है, ठीक है, तो फिर तब तक वो एटम स्टेबल है। जैसे कि आप नोबल गैसेस को देख लें, आप नोबल गैसेस को देखें तो वहाँ पर बेटा सारी की सारी जो नोबल गैसेस हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम हीलियम, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो शेल स्टेबल है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो स्टेबल है। ये चीज़ें आप मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 2, 8, 18, ये आपने 2N2 का रोल पढ़ा था, 2N raised to power 2,
ठीक है, तो एन वहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल था। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ शेल जो है वो वन है, तो फिर आपके पास एन की जगह वन आएगा, और आपके पास पहले शेल में इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो स्टेबल है, लेकिन उसके बाद ये तादाद बढ़ती जाती है। तो बेटा हर एटम की कोशिश होती है कि एटॉम जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की। केमिकल बॉन्डिंग का अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर में आपने जो है 6th चैप्टर पढ़ा था, आई सपोज़ उसका नाम भी केमिकल बॉन्डिंग ही है, तो उस चैप्टर की स्टार्टिंग भी और उस चैप्टर में पूरा जो कॉन्टेंट है वो एग्जैक्टली यही चैप्टर है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको पहले भी कि FSC के बाद BSc में चीज़ों को ज़्यादा एलैबोरेट किया जाता है, तो ये वही चैप्टर है, वही सारी बातें हैं, लेकिन हम यहाँ पर ज़रा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हर एटम जो है वो चाहता है स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन करना, ठीक है, और नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन अटेन करना। जैसे कि आपके पास जो है वो बहुत सारी देख लें एग्जांपल्स हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम के अंदर जो तीन शेल होते हैं, ठीक है, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आठ इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो तीसरा शेल होता है वहाँ पर मज़ीद सात इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए, या फिर आठ, आउटर मोस्ट शेल में अगर आठ इलेक्ट्रॉन हैं तब भी वो स्टेबल होता है, तो कम से कम आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको स्टेबिलिटी के लिए। तो सोडियम सात और इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय अपना एक इलेक्ट्रॉन देने की तरफ जो है वो उसका, आप समझ लें कि दैट इज़ ईज़ी फॉर इट, ठीक है। सोडियम के लिए ये बात ज़्यादा आसान है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे बजाय इसके कि सात इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करे, ठीक है। तो इस वजह से सोडियम के आपने अक्सर जो है वो कंपाउंड्स में देखा होगा सोडियम के ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज होता है। तो बेटा उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि आपके पास सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना देकर जो है वो आपके पास नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाता है, नियरेस्ट नोबल गैस जो कि नियॉन बनती है उसके मुकाबले उसके साथ उसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये क्वेश्चन आपके पास था व्हाई एटम जॉइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, तो उसका यही जवाब है कि एटम्स जो हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एक स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए जॉइन होकर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे, इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एटम्स इंटरैक्ट बाय लूजिंग गेनिंग मॉलिक्यूल और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स सो एज टू अचीव अ स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो ये भी आपके पास इसका जवाब हो सकता है कि क्यों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहते हैं। तो आपने ऑक्टेट रूल भी पढ़ा हुआ है, आउटर मोस्ट शेल में अगर आठ इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल है, तो वो बात भी ठीक है कि आपके पास अगर आठ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में हैं तो वो किसी हद तक स्टेबल कन्फिग्रेशन में आ जाता है। अब उसके बाद है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, एटम्स एक दूसरे के करीब आकर कैसे जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। बेटा इसके लिए आप लेट्स सपोज़ हम हाइड्रोजन के एटम की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के जो एटम है वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। क्यों वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बल्कि ओवरऑल ही एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेटा वहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एटम, एक 1s इसके पास है और एक 1s इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये आपस में जो है वो जब ये दूर होते हैं सबसे पहले जो है ये क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है। इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम, मैं यहाँ से आपको ग्राफ से भी समझा देती हूँ, यहाँ पर बेटा वाई एक्सिस पर एनर्जी है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर ये जो आर ई लिखा हुआ है या आर लिखा हुआ है, आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनके दरमियान जो है डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, ये आपके पास ये जो है आर ई, ये वो डिस्टेंस है आर ई, या आर इक्विलिब्रियम भी इसे कहते होते हैं, ये वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है जहाँ पर बॉन्ड बनता है, ठीक है। आर ई आपके पास वो वाला जो है वो डिस्टेंस है। तो बेटा अगर आप इस आर ई से इस साइड पे डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, आर ई आर से इस साइड पे डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये एक दूसरे से दूर होते हैं, जब करीब आते हैं दोनों एटम्स तो इनके दरमियान एनर्जी जो है वो कम होने लग जाती है, ठीक है, एनर्जी कम होने लग जाती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है इनके दरमियान, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर कम होने लग जाती है। बेटा जैसे जैसे एनर्जी कम होती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है।
तो दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, पहले आपके पास जो है वो यहाँ इतने डिस्टेंस पे थे, ठीक है, फिर वो इतने डिस्टेंस पर हो गए, फिर वो इतने डिस्टेंस पर आ गए। अब बेटा जब ये इस डिस्टेंस पर आ जाएंगे तो इस डिस्टेंस पर आकर अब इनके दरमियान अट्रैक्शन के बजाय, अट्रैक्शन तो थी ना यहाँ पर से एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो फील कर रहे थे, इधर भी अट्रैक्शन फील कर रहे थे, ठीक है। अब इस डिस्टेंस पर आकर, एक ख़ास डिस्टेंस पर आकर, अब ये मज़ीद अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक दूसरे से रिपल्शन फील करने लग जाएंगे। उसकी रीज़न मैं बता देती हूँ बेटा, आपके पास ये हाइड्रोजन का एटम है और ये हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इस वजह से रिपल्शन फील करने लग जाते हैं, ठीक है। तो एक ख़ास डिस्टेंस पे आने के बाद मज़ीद करीब आना इनके लिए मुमकिन नहीं रहता, अगर आएंगे तो फिर रिपल्शन की फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर आकर ये एक दूसरे के साथ स्टेबल रह सकते हैं, रिपल्शन सबसे कम हो सकती है जहाँ पर, बेटा उसे हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, या फिर वो डिस्टेंस जहाँ पर आपके पास बॉन्ड डेवलप होता है, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ थ्योरी से भी पढ़ लेते हैं। व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल दे कम क्लोज टू ईच अदर इंटरैक्ट इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लोअर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी लोअर का मतलब ये नेगेटिव साइड पर जा रही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव, यानी इस साइड पे एनर्जी बढ़ रही है, इस साइड पे कम हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे एटम करीब आते हैं एनर्जी आपके पास कम होती जा रही है, ठीक है। सो ड्यू टू अट्रैक्टिव द लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम द मोर इट इज स्टेबल। व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज लोअर्ड बाय 40 किलोजाउल पर मोल और पोर, वी से दैट एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। जाहिर है जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हो गई है, 40 किलोजाउल या फिर इससे भी कम हो गई है, तो उस टाइम पर हम कहते हैं कि मोलेक्यूल आपके पास स्टेबल है, केमिकल बॉन्ड एस्टैब्लिश हो गया है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड बॉन्ड, आप ये ग्राफ यहाँ से देख सकते हैं, हमने उसको डिस्कस किया है। व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर वन पॉसिबिलिटी इज दैट दे रिपेल ईच अदर द रिपल्शन इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस। जाहिर है जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा रिपल्शन दो एटम्स के दरमियान बढ़ती जाएगी। दिस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज शोन बाय कर्व बी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपके पास जो है दो एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे और उनके दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो ये जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो थोड़ी सी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जैसे पॉजिटिव यहाँ पर इस साइड पे पॉजिटिव वाले पोर्शन में है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। द सिस्टम विल बी अनस्टेबल एंड द एटम विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड एन इनफिनिट डिस्टेंस। जाहिर है जब आपके पास उनके सिस्टम अनस्टेबल हो गया है तो एटम्स अब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। सो द अदर पॉसिबिलिटी इज दैट द टू एटम्स अट्रैक्ट ईच अदर एज शोन बाय द कर्व ए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज विद इन डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन दैम। हाउएवर आफ्टर अ सर्टेन लिमिट्स द फोर्सेज ऑफ रिपल्शन अगेन बिगिन टू डोमिनेट रिजल्टिंग इन अ शार्प इंक्रीज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये वही बात है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई कि क्या होता है। दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि आपके पास दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आएँ, पहले अट्रैक्शन फील करें, करीब आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, एक ख़ास डिस्टेंस पे आने के बाद अगर मज़ीद एक दूसरे के करीब आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी अब बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ेगी? रिपल्शन फोर्सेस की वजह से, जैसे कि ये ए आपके पास ग्राफ ए में उन्होंने आपको बताया हुआ है, दिस इज़ ग्राफ ए, ये वाला, ठीक है। वो वाला डिस्टेंस जहाँ पर आपके पास, बेटा ये जो आर ई है ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर रिपल्शन सबसे कम है, ठीक है, रिपल्शन कम है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो उस आपके पास मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ, द पोटेंशियल एनर्जी इज़ मिनिमम एट एन इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस आर ई वे द टू एटम्स आर हेल्ड टुगेदर वेरी फर्मली विद द मैक्सिमम पॉसिबल डिक्रीज इन एनर्जी, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है, आर ई इज़ दैट पॉइंट इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस, इसे हम इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं आर ई को। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपके पास मिनिमम रिपल्शन है और एनर्जी भी आपके पास जो है वो कम है, ठीक है। सो इस डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर आपके पास जो है आपका जो दोनों एटम्स हैं वो स्टेबल होंगे एंड दे विल फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन देम, और इस तरह से आपके पास केमिकल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। सो ए डिस्टेंस इज शॉर्टर और लॉन्गर, अगर आप इससे कम करेंगे डिस्टेंस या अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो दोनों ही सूरतों में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और मोलेक्यूल जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी केमिकल बॉन्ड हो एक ख़ास डिस्टेंस पर बनता है,
दोनों एटम्स के दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इसके ये आपके पास जो है एनर्जेटिक्स थी कि क्या रिलेशन है एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी के कम या ज़्यादा होने का केमिकल बॉन्ड के ऊपर। इसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं। केमिकल बॉन्ड्स जो है बेसिकली 4-5 तरह के होते हैं जो अभी तक हम जो है वो रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड को। फिर इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कह देते हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड और वैन डर वाल्स या फिर लॉन्ग रेंज बॉन्ड, ठीक है। इनको हम वन बाय वन स्पेशली आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट को हम स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो उससे पूछ लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।